अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स ग्रेड 12 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गेस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पेशली फ्रॉम स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एक्सरसाइज में से। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है। आपके जो जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो जल्दी से मार्क कर लें 12.3, ठीक है, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8 और 12.9। ये चार क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं बस इस चैप्टर में से, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो आपका कैपेसिटर चार्ज ऑन अ कैपेसिटर है, जो कि 12.3 है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो लास्ट 12.8 क्वेश्चन है जो कि गॉस लॉ पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि 13 चैप्टर की तरफ, और 13 चैप्टर में से कौन कौन से इंक्लूडेड है क्वेश्चन, सबसे पहले आप वो मार्क कर लें 13.1, ठीक है, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, उसके बाद 13.4 के बाद आपका 13.6, 7 और 8। ठीक है, 13.5 इंक्लूडेड नहीं है, 6, 7 और 8 इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसमें से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में भी आए हैं और इसके अलावा गेस क्वेश्चन हैं, वो उसमें से आप मार्क कर लें 13.3 क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें आपने रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स बताना है। ठीक है, डिफरेंट दो फिगर्स गिवन है और उनके हिसाब से आपने कलर कोडिंग बतानी है। ठीक है, रेजिस्टेंस बतानी है इनकी। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन है 13.6, ठीक है, ये आपका एक तरह से ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 13.6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस पे, जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, उस हवाले से सेपरेट वीडियो में आपको तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पता लग जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड हैं सबसे पहले वो मार्क कर लें। ठीक है, 14.1, ठीक है, 14.1, 14.2, इसके बाद 14.3, 14.4, 14.5 इंक्लूडेड नहीं है, 14.6 है, उसके बाद 14.7, 14.8, 14.9, 10 और 11। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं इंक्लूडेड, बाकी आगे 13, 14, 15 आपके इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, जो कि रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आए हैं। सो जल्दी से मार्क कर लें आपका क्वेश्चन नंबर 14.6, जिसमें आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है ये, और साथ में इसका आपने सपोज करना है कि एक चार्ज है, एक तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है ये, और साथ ही साथ ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसके अलावा 14.3 जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में गिवन है, पार्ट ए और बी, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15 की तरफ। चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले इंक्लूडेड कौन कौन से हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, और फिर देख लेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मार्क करते हैं 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, ठीक है, उसके बाद 15.5 के बाद 6, 7 स्किप्ड हैं, 15.8 है, 15.9 है, और फिर 15.10, फिर 11, 12 स्किप्ड हैं, 15.13 है, और फिर 14, 15 दोबारा से स्किप्ड हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। दोबारा से देख लें 15.1 से 15.5 तक, और 15.8 से 10 तक, और फिर 15.13। अब इनमें से इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मार्क कर लेते हैं। जो आपका 15.3 क्वेश्चन है
जिसमें आपको एक छोटा सा फिगर गिवन है, वो वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका 15.4, ठीक है, 15.4 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये आपके दो पार्ट्स में है जिसमें आपने डायरेक्शन बतानी है करंट की, क्लोज्ड और ओपन स्विच के हवाले से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इस बार स्किप कर दिए गए हैं, इसलिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15.10 बहुत ज्यादा रिपीटेडली पेपर्स में आया है, इसलिए इसको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। और इसी तरह से आपका 15.13 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के कौन से हैं। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 के क्वेश्चंस मार्क करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 3 लेक्चर्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो मिस कर दिए हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उन तमाम वीडियोस को लाजमी व्यू कर लें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी मदद के लिए अपलोड की गई हैं, आपकी हेल्प के लिए अपलोड किए गए हैं, ताकि किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और साथ साथ मैंने कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किए हैं कि किस तरह से आप अपने पेपर को इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और इसके अलावा कौन से फिगर्स जरूरी हैं, कौन से टॉपिक जरूरी हैं, ठीक है। और खासतौर पे एग्जांपल न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैंने बहुत सारा गाइड किया है, तो लाजमी आप वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन से लिंक देखकर उनको व्यू कर लें, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मार्क करते हैं पहले जो जो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंक्लूडेड हैं इसमें, सबसे पहले 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, ठीक है। बस 16.6 तक इंक्लूडेड है, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका 16.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ ही साथ आपका 16.6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना 16.1, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको पहले बताए हैं, 16.4 और 16.6, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने किसी भी क्वेश्चन को, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। बाकी जहां तक बात न्यूमेरिकल्स की है, सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, जिसमें कंप्लीट मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंक्लूडेड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। 17.2 है, 17.1 नहीं है, ठीक है, 17.2 है, 17.3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही है, मैंने कहा थोड़े से है। 17.7, 17.8, 17.9, 10, 11, तो रहा कौन सा भाई, अच्छा ठीक है 17.1, मेहरबानी है, इन्होंने स्मार्ट सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारे इंक्लूडेड हैं। तो चलें जी फिर देख लेते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, अब क्योंकि अब इतने सारे चैप्टर में से इंक्लूडेड है क्वेश्चन, तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना आपके 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करना है, फिर उनके SI यूनिट्स भी बताने हैं, साथ में आपने टेंसाइल कंप्रेसिव और शेयर मोड्स को आपने एक्सप्लेन भी करना है, उसमें डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपका ये जो 17.6 है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आ जाती है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। और सुपर कंडक्टर्स, मैंने जब प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड किए थे इस टॉपिक के बारे में, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, मैंने तब भी बताया था सुपर कंडक्टर्स पे नोट बहुत ज्यादा आता है, रिपीटेडली पेपर्स में रिपीट हुआ हुआ है सुपर कंडक्टर्स पे, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चंस, ये जो है ना आपका व्हाट इज मेंट बाय पैराडाया, ये वाले जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊपर मैंने आपको बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में से कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो पहले मैंने आपको बता देती हूँ, ठीक है, और उसी के साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना वो तो है आपके 13.12, जल्दी से मार्क करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 4, और उसके बाद 6, 7, 6, 7,
एट नाइन और ट्वेल्व, ठीक है। अच्छा ट्वेल्व जो है ना, ये आपका इसके सारे पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, ट्वेल्व के आपके वन थ्री और फाइव, ठीक है, वन थ्री और फाइव इंक्लूडेड, वन थ्री और फाइव इंक्लूडेड है। ये जो है ना, ये तीनों एमसीक्यूज आपके समझने के, इनका तो ऐसा पक्का आपने रट्टा लगाना है ना कि किसी सूरत इन्हें नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18.12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा। अच्छा उसके अलावा इस क्वेश्चन में से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपका 18.3 है, ठीक है, द एनोड ऑफ अ डायोड, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ ये जो है ना, व्हाट इज द बायसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द जंक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर 19 में से जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसमें से तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। 19.1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 19.5 से इंक्लूड होना शुरू हो रहे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, उसके बाद 8 के बाद आपका 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13 जितने छोड़ने थे ऊपर छोड़ दिए लगता है। अच्छा 14, 15 उसके बाद 16 नहीं है, ठीक है, 17 भी नहीं है, फिर 18 पे आ जाए, 18 के बाद 19 क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी 19 है, ठीक है, 19 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है, 20, 22, 21 स्किप्ड है, 20, 22 और 23, ठीक है, 23 के बाद आपका आ जाता है 24, 25, 26, ठीक है। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जल्दी से देख लें दोबारा से, 1 से लेकर 4 तक कोई भी नहीं है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक सारे हैं, 16, 17 बीच में से स्किप्ड है, फिर 18, 19, 20 है, 21 स्किप्ड है, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं। अब सवाल आ जाता है इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट तो अब मुझे आपको बताने पड़ेंगे ना। सो इंपॉर्टेंट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपका आप देख लें, सबसे पहले 19.10, ठीक है। अच्छा ये ब्लैक बॉडी वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सर्फेस, ये क्वेश्चन काफी आया है पेपर्स में ना, और उसी की बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इसमें से और कौन सा आपका क्वेश्चन, ये व्हाई व्हेन लाइट बिहेव एज अ वेव, ठीक है, उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, ये वाला आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे इंक्लूडेड है इस चैप्टर में से, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ये चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छे से गो थ्रू किया है ना, तो क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आए थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर 20 पे। चैप्टर 20 में से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, इतने ज्यादा नहीं है इसके क्वेश्चंस, जल्दी से देख लें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। 20.1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है। इसमें से 6, 4 और 2 स्किप्ड हैं, ठीक है, थीके? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बोहर्स मॉडल, बोहर्स थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी सूरत स्किप नहीं करना, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका ये जो है, कैन एक्सरेज बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। लेकिन यही हमारी बात खत्म नहीं होती, मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो के बाद आपने मेरी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो लाजमी व्यू करनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें से कौन कौन से आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, पहले जल्दी से वो मार्क कर लें। इसमें से 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 21.2, 21.3, 21.4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 नहीं है, उसके बाद
टेन है, सॉरी 10, 11, पीछे बचा कौन सा, 12, 13, 14, 12, 13, 14, उसके बाद 15, 16, 17, लो जी सारे तो इंक्लूडेड हैं। एहसान ही किया दो तीन क्वेश्चंस छोड़ के। एनीवे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है आपका। अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस दें। तो ये जो 21.5 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेक्चर 3 में देते हुए मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिव और हाफ लाइफ वाला, ठीक है। उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका ये जो है ना डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, समवन एक्सीडेंटली स्वॉलोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतनी बार पेपर्स में आया है कि जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। होप सो ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, तमाम आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये गेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें और लाजमी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी व्यू कर लीजिएगा और आने वाले लेक्चर्स जो कि न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होंगे और साथ ही साथ मजीद सब्जेक्ट्स पे होंगे। So till then stay tuned and don't forget to subscribe to AHA Assistance. Allah Hafiz.